भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अहिरवाद जाटव दोहरे गौतम समाज की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेसी सिर्फ वोट लेने, भ्रम और भय फैलाने आपके पास आते हैं और फिर 5 साल मुंह नहीं दिखाते। मैंने हमेशा आपके लिए काम किया है, आप मुझे 5 दिन दो, मैं आपके लिए 5 साल दिन रात सेवा में खड़ा रहूंगा। इस बार आप कमल पर पूरी ताकत से वोट दो और फिर मेरा काम देखो। जहां अहिरवार जाटव दोहरे गौतम समाजों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का संकल्प लिया, इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का सभी समाजजनों ने स्वागत भी किया। बीएसपी से तो जो आज कांग्रेस का प्रत्याशी है राजेंद्र भारती, ये भी लड़ा था पर वोट लिया और लेके जो गया तो फिर पलट के नहीं देखा। बीएसपी से तो नगर पालिका अध्यक्ष दतिया में भी जीता था, भाड़ेर में भी मरिया जी बीएसपी से जीते और सेवड़ा में भी बीएसपी जीती थी राजेलाल जी बीएसपी से जीते थे, लेकिन ये एक भी आज बीएसपी में नहीं, एक भी नहीं। क्या खराबी है बीएसपी में, खराबी है या कैंडिडेट में, ये आप सबके सोच का विषय भी है और शोध का विषय भी है। विचार करना कि ये आपको कैसे वोटर मान के आपका वोट लेने के लिए हाथी पे बैठ के आते थे और वोट लेके जो जाते थे तो फिर लौट के नहीं आते थे, हर बार नया महाभारत आपको मिलता था, हर बार नया। जब आते थे तो बड़े जोर जोर के नारे लगाते थे आपको भड़काने के लिए, तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, चाहे गोली लग जाए छाती पे, मोहर लगाओ हाथी पे,